हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पारस मिश्रा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति किसे बने। दोस्तों, प्रेसिडेंट को देश का फर्स्ट पर्सन माना जाता है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक माना जाता है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे देश का प्रधान प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई ऐसा कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता कि आप एग्जाम देकर क्लियर करके प्रेसिडेंट बन जाए। इसका एक अलग ही प्रोसीजर होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो कोलाज के द्वारा चुना जाता है। इसकी वोटिंग का तरीका भी अलग होता है। मैं वोटिंग मेथड नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट होगा। आपको सिर्फ ये जानना है कि प्रेसिडेंट बनना कैसे है, और अगर आप बनना चाहते हैं तो कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। बस सबसे पहला कंडीशन है कि वो इस देश का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है कि वो कम से कम 35 साल का हो। तीसरा कंडीशन है कि वो कम से कम वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पे लाभ के पद का मतलब है हमारा कि वो कोई भी ऐसा नौकरी वगैरह ना कर रहा हो। चौथा है हमारा, जो चौथा कंडीशन आता है वो है हमारा कि वो कम से कम इतनी योग्यता रखता हो कि वो किसी लोकसभा का सदस्य माना गया हो, यानी कि लोकसभा के सदस्य की जितनी उसकी शक्ति तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन लोकसभा का सदस्य कि जितनी वो होती है उतना लोकसभा का सदस्य से बड़ा ही माना जाता है। तो लोकसभा का सदस्य यानी कि एक एक सांसद के जितनी उसकी पहुंच होनी चाहिए। कम से कम एक सांसद को जैसे सांसद बना होता है, तो सांसद के लिए वो चुना जाना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं अब कि ये तो क्वालिफिकेशन हो गया कि कैसे बनना है। अब आइए बात करते हैं कि कौन बन सकता है। तो दोस्तों, कोई भी बन सकता है। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। अब्दुल कलाम जो थे ना, हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम, वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, इतने में उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन आता है कि हाँ जी कलाम जी, जो मैं वाजपेयी जी बोल रहा हूँ। तो कलाम जी कहते हैं ठीक है, फोन रखिए, अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम आपको बाद में बात करते हैं आपसे। ये थे हमारे प्रेसिडेंट। खैर छोड़िए, फिर जब वो क्लास से निकलते हैं तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन करते हैं और कहते हैं हाँ जी बोलिए, क्यों फोन किया था। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं उनको कि कलाम जी, हम चाहते हैं कि आप इस देश के राष्ट्रपति बने। तो कलाम जी कहते हैं ना जी, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये चुनाव वुनाव नहीं हो पाएगा। ये रियल स्टोरी में बता नहीं रहा हूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, प्रेसिडेंट के लिए कोई चुनाव वुनाव नहीं चाहिए होता, आप सिर्फ आ जाइए। तो फिर कलाम जी फिफा से जाते हैं, फिर उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलर कोलाज द्वारा उनका इलेक्शन किया जाता है और फिर बनाया जाता है। ये तो हो गया आपकी स्टोरी। अब आइए आप बात करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है। तो बाबू, जितने भी शक्ति होते हैं ना, सब राष्ट्रपति के ही होते हैं। प्रधानमंत्री जो भी करता है वो राष्ट्रपति से ही पूछ के करता है। हालांकि प्रधानमंत्री ही हेड होता है हमारा, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ एक दिखावे के लिए होता है आगे में। प्रधानमंत्री उसके पीठ पे बंदूक रख के काम करते हैं। यानी कि जितना भी देश में काम किया जाता है ना, चाहे कि वो जो बाइडेन से मिले हो, चाहे वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले हो, जितना मीटिंग होता है, जो भी होता है देश में, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। समझ रहे हो? ऐसा कोई काम नहीं है। हालांकि आपको लगता होगा कि मोदी जी कर रहे हो, अगर मोदी जी जाके किसी देश के साथ समझौता करके आ रहे हैं, वो कर मोदी जी रहे हैं, लेकिन साइन होगा राष्ट्रपति का, यानी कि माना जाएगा कि राष्ट्रपति को ही किया है। हालांकि जो मोदी जी बोलेंगे राष्ट्रपति को, यानी कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बोलेंगे, वो करने में राष्ट्रपति बाध्य है, उसको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा वैसा राष्ट्रपति, तो उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की बात माननी होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। तो बाबू, शक्तियों की बात करें तो इस पे बहुत सारी शक्तियां है। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, जुडिशियरी पावर, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर, वीटो पावर, यार इतने पावर है कि थक जाओगे। ये तो पावर है ना, इनके पार्ट अलग है, बहुत सारे पार्ट है। तो यहां मैं बताता हूँ कि इमरजेंसी अगर देश में लगता है तो राष्ट्रपति की मर्जी से लगेगा। अगर यहाँ पे आपको किसी देश से समझौता की जा रही है तो राष्ट्रपति से की जाएगी। कुछ भी जो ऐसा है तो राष्ट्रपति से ही किया जाएगा, सब कुछ राष्ट्रपति से पूछ के किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। तो बस इतना ही था राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति बनना कोई मुश्किल नहीं। अगर आप चाहते हो कि इसके चुनाव कैसे होता है, इस पे मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होता है, वैसा चुनाव किसी का नहीं होता। और जो राष्ट्रपति होता है हमारा, वही हमारे गवर्नर को अपॉइंट करता है हर स्टेट के। राष्ट्रपति जो होता है वही हमारे सबको
वही वो जो होता है वो सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, जो राष्ट्रपति होता है हमारा वो आपके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, उसके बाद राष्ट्रपति जो होता है हमारा वही हमारा इसको भी अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, हालांकि वो देश के स्टेट के गवर्नर से पूछ के अपॉइंट करता है इस पे। तो बस यही सब है और कुछ नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में इतना ही है। तो यार इसी के साथ मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।